गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज का दिन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ शूट पर। ये RVCA का शूट है और कल ही इनका कॉल आया था और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं और जो भी जैसी जैसी चीज़ें होंगी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि यहाँ पर कुछ तो लिमिटेशन होंगी क्योंकि वहाँ पर अपना नहीं है ना, वहाँ पर आप हमेशा हर एक चीज़ को शूट नहीं कर सकते हो, लेकिन जितनी भी चीज़ें होंगी ना दोस्त, सब कुछ रिकॉर्ड कर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहो मेरे साथ। मारा मैं पहुंच चुका हूं, अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं जस्ट अभी RVCA के ऑफिस पहुंचने के बाद अंदर बैठा हूं। यहां पे बहुत सारे सीनियर एक्टर आए हुए हैं और मैं आपको सबसे मिलवाता हूं। सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइनें पढ़ रहे हैं और रिहर्स कर रहे हैं। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? प्रशांत सिंह। और आपका? अविरल जोशी। कुछ पूछा ही नहीं। हाय प्रज्ञा। हिमांशु। सर मैं आपको जानता हूँ सर। हाँ सर, मैं भी आपको जानता हूँ सर। बेसिकली हमने ये वीडियो बनाने से पहले प्लान कर लिया कि हम लोग सीरियस हो जाएंगे और वो चीज़ें दिखाएंगे वीडियो में। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, हम लोग बहुत ही मस्ती कर रहे थे। फिर हमें याद आया कि मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो जाके ये शूट कर रहा हूँ मैं। तो दिखाने वाला हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी तरह से शूट करूँ। और नए लोग हैं फिर भी ट्राई करूंगा मैं शूट करने का। बढ़िया। जस्ट हमें ब्रेकफास्ट मिला है, ब्रेकफास्ट हम खा रहे हैं। वैसे मैंने सुबह सुबह स्प्राउट्स तो खा लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अलग था तो मैंने इसे भी खाना शुरू किया। अभी हम लोग बस चाय पीते पीते बाहर आ चुके हैं और बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर बहुत सारे लोग थे तो हम लोग बाहर निकल कर बस चाय पी रहे हैं। आप किताबों के काफ़ी शौकीन लगते हो। हाँ थोड़ा सा। अभी जो किताब पढ़ रहे हो उसके बारे में कुछ बताओ। अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए। लाइफ में बहुत से ऊंच नीच हैं, आते रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग शांत करता है या फिर बताता है। ऐसा कुछ हेल्प तो नहीं करता, लेकिन रीडिंग अच्छी होती है। और हमारी एक एक्टर अभी सोई हुई हैं और ये लोकेशन देख रहे हो, ऑफिस के जस्ट पीछे का लोकेशन है और ये RVCA का ऑफिस है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो को शूट किया गया, मैंने भी 2-3 वीडियो यहाँ पे शूट करे हैं। और हमारे जो आज के डायरेक्टर हैं चिराग भाई, अपने AD के साथ डिस्कस करते हुए। बेसिकली हमें खुद पता नहीं चल पा रहा है हम यहाँ करने के आए हुए हैं। हम नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर आ जा रहे हैं और हमें हमारा शॉट नहीं लग पा रहा ताकि हम तो अच्छा दिखें। हमारा रोल अच्छा नहीं, लेकिन हम तो अच्छा दिखें। रोल ठीक ठीक है, रोल ठीक ठाक है। और अभी चीज़ें शुरू नहीं हुई शूटिंग, तो पहला शॉट भी नहीं लगा है मेरे लगता है। नहीं लगेगा। गणपति का पूजा होगा कि नहीं उधर? हाँ हो गया, पूजा हो चुका है। अरे वो मिस कर गए हम लोग, बुलाया नहीं किसी ने, बुलाया ही नहीं किसी ने। गाइस हमें यहाँ से निकलकर बाहर एक जगह है लोखंड वाला, वहीं के आसपास एक तालाब है और वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, वहीं पे हमें शूट करने के लिए जाना है जो हमें प्रोडक्शन टीम ने बताया। और हम ऑटो में बैठे और वहाँ निकल गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने शूट किया। बेसिकली वहाँ पे एक सीन था कि हम जो लीड एक्टर हैं बद्री भाई, हम लोग उसको लेके जाते हैं प्रपोज करवाने के लिए, तो वो सीन होता है। बेसिकली वो सीन हम शूट नहीं कर पाए इस भागा दौड़ी में, क्योंकि मेरा खुद का सीन था वहाँ पे, तो मैं GoPro यूज नहीं कर सकता था यार वहाँ पे, दैट्स वाई सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन हल्का हल्का कुछ शॉट है जो किसी दोस्त ने रिकॉर्ड किया, तो वो है अपने पास, अब वो देख सकते हो। ये खूबसूरत सा लोकेशन और सभी एक्टर लोग आके पहुँच चुके हैं और पीछे तालाब बना हुआ है और पानी तो बहुत गंदा है लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि मुंबई में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, तालाब वगैरह। क्या कहना चाहोगे भाई?
वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया तुमने? वर्कआउट में जंक लगा हुआ है, कोई यूज नहीं करता हुआ इसको, किसी को बॉडी बनाना नहीं है इधर। सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, हमारा शूट तो यहीं पे होने वाला है, देखते हैं क्या क्या होता है। इस लोकेशन पे एक सीन होता है जहाँ पर बद्री लड़की को प्रपोज करने जाता है और लड़की किसी को पीट देती है, जिससे हम दोस्तों को काफ़ी डर लग जाता है और हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और कुछ छोटा सा सीन होता है, वो शूट नहीं कर पाया गोप्रो में, व्लॉग में आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और उसके बाद सीधे हम लोग आरवी सीजे के ऑफिस पहुँच गए। अरे ऐसा मत करो यार, ठीक है देख लेना अपना। मिलते हैं यार। हाँ बाय टाटा। बाय बाय। दोस्तों कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस भागने का? अरे बहुत बहुत सीरियस बात करने लगे भाई तो। अरे एक्टर को कट बोलना पड़ गया हमारा, हमें लगा कि अभी वो एक्शन बोलना शुरू होगा, एक्शन बोलना ही नहीं, हम बात कर रहे हैं आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ। चलो थैंक यू सो मच दादा। दोस्तों एक सीन और हुआ था, पान दुकान पे सीन था पनवाड़ी के पास, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए यार। सीन होने के बाद सारे एक्टर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और नीचे जो सीन चल रहा था लीड एक्टर यानी कि निखिल विजय और बद्री भाई का सीन चल रहा था और हम लोग यहाँ पर सिर मोबाइल कर रहे हैं। क्या आप लोगों को बोरियत महसूस हो रही? क्या करना चाहिए आप? काम जो भी शूट है वो करवाओ। और लास्ट है यहाँ पहले तो भूख लगी है, कुछ खाने का मिल जाए वही सोच रहा हूँ। अभी जस्ट ब्रेक हुआ था और हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद बाहर निकल आए। बाहर हम वैसे घूमने के लिए निकले थे लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखने लगे कि कहाँ कहाँ क्या ऑडिशन हो रहा है और हमारे साथ सभी लोग हैं जिसे आपने भी मेरे ब्लॉग में देखा है। और अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे वहीं पे जहाँ शूट हो रहा है और बहुत देर हो चुकी है और हम लोग अपने इस ग्रीन रूम में बैठे हुए हैं और मैं तो कुछ देर के लिए सो भी गया था। और एक सीन हुआ है, एक सीन हम लोगों ने किया है जो बाहर सीन था मेरा वो किया है और उसके बाद अभी तक एक भी सीन नहीं लगाया। अपने रूम में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला कुछ हो और बहुत बोरियत फील हो रही है बहुत। सामने देख रहे हैं ट्रकान देखने का मन कर रहा है, सामने देखना ट्रकान नहीं होता। अच्छा बेसिकली अभी बात ये हो रही है कि मैंने मंशु भाई को बोला कि आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखते हो जो हम कंटेंट बनाते हैं, तो इनको अभी मैंने दिखाया और इनको बहुत पसंद आया और ये बोल रहे हैं कि हां मुझे सही में पसंद आया। ऐसा कोई इसके मुंह पे नहीं बोल रहा हूं, सही में पसंद आया, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, प्लीज ब्लेसिंग दीजिए ताकि और भी अच्छा बनाए। अरे आप बहुत अच्छा बना, जुड़िए हमारे साथ, मेन तो ये ले चलो कभी कोई काम करवा दो हम करने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच, लिखते हैं बढ़िया सा, लिखते हैं कंटेंट। देख लो यही तो कमाया है, व्यूज नहीं आते तो क्या हुआ, यही तो कमाया है एक अच्छे एक्टर और ये लोग हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, यानी कि हम लोग कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं धूप में जाके बना रहे हैं तो मतलब चीज़ें हो रही है काम। आज नहीं व्यूज आए तो क्या हुआ, कल आएंगे। हाँ हाँ जनता का आशीर्वाद आने वाला है, आज नहीं तो कल, मेहनत से आता है। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा यार मैंने वो कंटेंट लिखावट एक्टिंग तो स्पेशली एक्टिंग तो हुई, अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, अब मैं सब देख रहा हूँ, धीरे देखते हैं कि कुछ चल भी रहा है यानी, क्योंकि मैं दिन भर में सिर्फ इतना सा रोल कर पाया हूँ, पता नहीं आगे कुछ होगा भी कि नहीं। ऐसे नीचे चलते हैं, शूट एंजॉय करते हैं। ये बोल रहे हैं कि वो बोलेगा कि अरे बिनोम भी तो है, बिनोम होता है। बेसिकली यहाँ पे सीन चल रहा है निखिल विजय और बद्री भाई का, तो वही सोचा कि क्यों ना हम नीचे आए और नीचे आपको वो सीन दिखाएं कि ये लोग कैसे शूट करते हैं। बेसिकली हमारा मेरा पर्सनली क्या मेरा बहुत छोटा सा था, ठीक है, और इन लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ
और भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। निखिल विजय का हॉस्टल डेज देख कर मैं फ़ैन हूँ, आप भी देख सकते हो, निखिल विजय को सर्च कर सकते हो, हॉस्टल डेज में जो उसने कैरेक्टर किया है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। मैं काफ़ी उस कैरेक्टर को एडमायर करता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने अप्रिशिएट भी किया उनसे मिलकर कि भाई साहब आपका जो हॉस्टल डेज वाला है कमाल है। विनोमो क्या है? आराम से बताओ, चलो करते हैं। क्या रोलिंग साइलेंस एक्शन। और विनोमो भी तो है। विनोमो क्या है? हाँ सर, इस ऐप में आप एसेट चूज करके उनकी वैल्यू फोरकास्ट कर सकते हैं कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही निकली तो 90% प्रॉफिट हमारा। अरे भाई आराम से बताओ यार। हाँ तो ये देखिए ऐसा है। कट सही है। कहाँ आगे चलते हैं कि देखो वैसे यहाँ चंद्रकांता का मैच आ रहा है। वो वाला लेना है। आई अप्रिशिएट निखिल भाई और बद्री भाई, लव यू भाई। निकल ना सब खोलते रहे। चाय और एक्टर का गहरा संबंध है। दोस्तों ये कोई एक्टिंग वाला सीन नहीं है, ये प्रॉपर बर्थडे का सीन है, लेकिन ओरिजिनल है, ये शूट के लिए नहीं है। जो हमारे डीओपी सर हैं अनुराग भाई, आज नहीं एक दिन पहले उनका बर्थडे था, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया, तो आज सभी लोग सेट पे थे तो इनका बर्थडे मनाया जा रहा है। बहुत प्यारे इंसान है। इस वीडियो में बर्थडे में सभी लोग थे, निखिल विजय, बद्री भाई और सभी लोग जो आरबीसीजे के हेड हैं, सब लोग आए और सब ने मिल के सेलिब्रेट किया। ये वाला शॉट हम लोग पहले दिए हुए थे, जो वीडियो बना रहा है, नाम नहीं पता है, कृष्णा। शॉट लगा है और फाइनल शॉट है। वो इस तरह का ड्रेस ऐसे है मेरे, उसको पहनने वाला हूँ और बाहर बारिश हो रही है, मुझे फटाक से तैयार होके जाना है। बाय। सही है। हाँ।
ये ले भाई, एकदम चमक गया। अच्छा था ये, तेरा हल्का ऐसा भी हो ना जैसे उसने का फैला दूं। नीचे रख दे तू एकदम रखे। सुन भाई, हाँ मैं कच्चे भी लोगे रखूंगा तेरे लिए। दोस्तों टेक्निकल रीजन की वजह से ये वीडियो मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आरवीसीजे वालों ने मना किया था, तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो पूरा नहीं दिखा पाऊंगा। तो छोटा सा सीन है यहाँ पर, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मेरा तो हो गया था। मेन तो यही यार, निखिल भाई हैं और बद्री भाई हैं और मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच, आज के शूट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मुझे फिर से बुलाएंगे और इनके साथ मैं काम करूँगा। खाना पका दूँ तेरे लिए? तो हमारा शूट हुआ खत्म और अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से सब घर। पूरा कैमरा आप पे है। योर कैसा लगा आज का शूट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बरसात भी हो गई और गाइस बात का आया कि 6 बजे का शूट जो 10 बजे खत्म हुआ है उसका जो है। लेकिन हमने सच में जल्दी 9 बजे पैकअप कर दिया। देखा ये दिखा दो भाई, दिखा ये देखो 9 बजे। मुझे लगता है ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, लिटरली रिकॉर्ड है। वापस कर लेना अपनी। 12 बज रहे हैं यहां पे। बेसिकली हमारा पैकअप हो चुका है और जस्ट हमारा जो भी सीन था सब कंप्लीट हो गया है। और कैसा लगा आज का शूट? फाइनली काफी हेक्टिक था, सुख गया ना? आपका हिमांशु भाई? मस्त, अच्छा लगा। अच्छा लगा और अच्छा अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा है जैसे जितना भी रोल किया है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें निकलेगी। फिलहाल आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो, थैंक यू सो मच। और कैसा लगा वीडियो हमें बताना और अभी हम सीधे घर की ओर निकलेंगे। वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेहनत हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू। इनका शॉर्ट्स देखिए, बहुत अच्छा बनाते हैं ये शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। ओह थैंक यू सो मच। ओके बाय।